अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी लर्न अबाउट फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू। क्या पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू? आज हम लोग को समझना है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है? फेस यानी कि आप समझ सकते, फेस यानी कि चेहरा, है ना। जो डिजिट का फेस होगा वही उसका क्या है, वैल्यू है, क्लियर। बट प्लेस वैल्यू जो ऐसे क्या है, प्लेस वैल्यू जो है उसका क्या है, प्लेस के अनुसार उसका वैल्यू होता है। तो अब हम लोग समझते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, हिंदी में क्या हम लोग समझते हैं फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान या जाति मान, कंप्लीट। नेक्स्ट है क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस क्या होता है ना, प्लेस यानी कि स्थान, स्थान के अनुसार वैल्यू, मतलब आप समझ सकते हैं वैल्यू, वैल्यू क्या है, महत्व है उसके, है ना। तो एक जो वैल्यू है उसके फेस के अनुसार है और एक जो है नंबर का वैल्यू क्या, प्लेस के अनुसार, वो किस प्लेस पे है, प्लेस के अनुसार सब लोग को वैल्यू मिलता है, फेस के अनुसार वैल्यू मिलता है। तो आज हमें अंकित मान और स्थानीय मान के बारे में समझना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। तो यहां पे लिखा हुआ है डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल वैल्यू क्या, एक्चुअल वैल्यू इज द फेस वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। वेल, प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोजिशन ऑफ गिवन डिजिट अकॉर्डिंग टू वैल्यू चार्ट, कंप्लीट। या नंबर यानी कि डिजिट, गिवन डिजिट, कंप्लीट। वेल, प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ गिवन डिजिट अकॉर्डिंग टू वैल्यू चार्ट और एक्चुअल वैल्यू इज द फेस वैल्यू ऑफ गिवन डिजिट, कंप्लीट। कहने का मतलब क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर जो भी नंबर दी गई है और उस नंबर का जो डिजिट है और उस डिजिट का फेस वैल्यू फाइंड करना हो, तो जिस डिजिट का जो फेस वैल्यू फाइंड करना हो, यानी कि मान लिया जाए कि नंबर है 135 में मान लिया जाए कि 3 का फेस वैल्यू फाइंड करना हो, तो क्या करेंगे, क्या है 135, इसमें हमें 3 का फेस वैल्यू फाइंड करना है। फेस यानी कि तो फेस जो है से इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, 3 का वैल्यू एक इस तरह का जो फिगर बनता है, फेस जो आकृति बनती है वो किसका है, 3 का है। तो जिस डिजिट का हमें फेस वैल्यू फाइंड करना हो, तो जो डिजिट है वही क्या है, उसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू नो चेंजेबल, ठीक है, उसका कोई चेंज नहीं होता है। अगर हमें 3 का फेस वैल्यू फाइंड करना हो तो 3 ही है, 5 का फेस वैल्यू फाइंड करना हो तो 5 ही होगा, 1 का फेस वैल्यू फाइंड करना होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा। यानी कि कोई भी डिजिट्स किसी भी नंबर में कहीं भी हो, किसी भी प्लेस पे हो, कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो, अगर यदि उसका हमें फेस वैल्यू फाइंड करना होगा, तो जिस डिजिट का फेस वैल्यू फाइंड करना है वही डिजिट क्या है, उसका फेस वैल्यू है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू, कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग को समझना है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ गिवन डिजिट अकॉर्डिंग टू वैल्यू चार्ट। पोजीशन वैल्यू चार्ट होता है, जैसे हम लोग 1, 10, 100, 1000 इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग पोजीशन को समझते हैं। तो अब जैसे यहां पे मान लिया जाए 135 है, यानी कि 135, अभी हम लोगों ने समझा क्या कि 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा और 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, वह किसी भी पोजीशन पे हो। यदि 5 यहां देखिए 5 क्या है, 1s के जगह पे है, तो भी इसका फेस वैल्यू 5 ही होगा। यदि अभी मान लिया जाए इसको रिप्लेस कर दे यहां पे, जैसे 135 है, अब इसके बाद इसको इसके जगह पे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ 3 वी राइट 5 और इंस्टेड ऑफ 5 3, तो 5 की जगह पे 3 और 3 3
और 3 के जगह पे 580 हम लिख लेते हैं, तो इसमें भी इसका फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसका 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा और 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, कहीं भी हो किसी भी पोजीशन पे 100,000 वर्सेस कहीं भी होगा वह उस डिजिट का फेस वैल्यू, वो जो डिजिट का एक्चुअल वैल्यू है वही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। कंप्लीट। इसके बाद प्लेस वैल्यू समझना है, तो यहां पे कहता है प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ गिवन डिजिट अकॉर्डिंग टू वैल्यू चार्ट। कहता है कि आप जब भी प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करना होगा तो प्लेस वैल्यू क्या किस पे डिपेंड करता है, उस डिजिट का पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वह जो डिजिट है किस प्लेस पे है। वंस की जगह पे है तो उसका क्या होगा, 1 वैल्यू होगा, यदि 10 के जगह पे होगा तो उसका उतना 10 वैल्यू होगा, 100 के जगह पे है तो उसका 100 इक्वल वैल्यू होगा। तो अब चल यहां पे हम लोग समझना है प्लेस वैल्यू के बारे में, क्या है 8593 डियर फ्रेंड्स, लिसन मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप लोगों का बुक में क्वेश्चंस आपके पास आता है क्या, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन डिजिट या कलर डिजिट, अंडरलाइन किया हुआ हो या कलर किया हुआ हो, जैसे मान लिया जाए इसने यहां अंडरलाइन किया हुआ है और इसके पास अंडरलाइन किया हुआ है, 5 के पास अंडरलाइन और 9 के पास अंडरलाइन किया हुआ है, तो अब यानी कि हमें समझ में आता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपके पास क्या, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स या कलर डिजिट्स। तो इस तरह से हम पहले देखेंगे कौन कौन से, कितना लिखा हुआ, 1,100,8,593 लिखा हुआ है। तो जैसे यहां पे क्या है, अब हमें कौन कौन से डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है, 5 का और 9 का। तो मैं पहले ही बताया हूं क्या प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द गिवन नंबर ऑफ अ गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू चार्ट, उसका वैल्यू चार्ट के अनुसार जो जिस पोजीशन पे है वही क्या है उसका प्लेस वैल्यू। 9 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, देखिए हम 1 10 क्या 1 और 10 यानी कि 10 यानी कि दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हम लोग हिंदी में करते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो इस तरह से। तो अभी 9 को क्या इधर से क्या 1 6 किस जगह पे है, किस पोजीशन पे है, 10 यानी कि 9 10 जा कितना हो गया, 90 हो गया। 5 कौन किस पोजीशन पे है, 1 10 100 यानी कि 500 हो गया। क्लियर, समझ गए। तो इसी तरह मान लिया जाए 8 को भी यदि हमें फाइंड करना हो तो 8 को क्या कितना होगा प्लेस वैल्यू, 1 10 100 और 1000 यानी कि ये कितना हो गया इसका 8 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 8000 क्या हो जाएगा, 8000। यदि 3 का हमें क्या करना है प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो 1 के जगह पर तो 3 1 क्या हो गया, 3 हो गया, यानी क्या है 3 का प्लेस वैल्यू 3, 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 90, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 500 और 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 8000, है ना। तो ये तो इसमें तो प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड हम लोग किया, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जिस डिजिट के पास अंडरलाइन किया हुआ होगा उसी डिजिट को सिर्फ हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जैसे मान लिया जाए यहां पे नंबर ले लिया हूं 7956, इसमें यहां पे और यहां पे अंडरलाइन किया हुआ है तो 6 का क्या हो गया प्लेस वैल्यू 6, क्योंकि 1 की जगह पे है। 7 का क्या होगा 1 10 100 और 1000 यानी कि क्या हो गया 7000 हो गया। ए आपका 7 का प्लेस वैल्यू और ए आपका जो हो गया से क्या हो गया 6 का प्लेस वैल्यू। कंप्लीट। और इस तरह से है और बहुत सारे इस तरह से और कुछ स्टेप्स हैं प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसको आप
नोट कर लेंगे। अब जैसे पे है, इसके बाद एक और स्टेप हम लोग समझते हैं फेस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। स्टूडेंट्स आप लोग फेस वैल्यू तो समझ चुके ही हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू है, जिस डिजिट का फेस वैल्यू फाइंड करना वही वही डिजिट जो है क्या है उसका फेस वैल्यू है। अब प्लेस वैल्यू का और एक तरीका मान लिया जाए, यहाँ पे मान लेते हैं 5892 यानी कि 5892। इसमें इसको और इसको अंडरलाइन किया हुआ है और इसका प्लेस वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ऐसे जो भी डिजिट का अंडरलाइन है उसको इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और वन डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद इधर से क्या करेंगे, वन देखेंगे यहां पे 9 के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 2 है जो वन डिजिट, तो एक पे उतना ही 0 लिखेंगे, है ना। तो क्या हो गया 9 × 10 यानी कि इक्वल टू 90। फिर है 8, ये भी यहां मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। इसके बाद देखेंगे 8 के राइट साइड में मल्टीप्लाई के बाद क्या करना है, 1 लिखना है। उसके बाद देखना है इसके राइट साइड में कितने जीरो है, सॉरी कितने अंक है, तो 2 डिजिट है, इसलिए 1 पे क्या करेंगे 2 डिजिट, यानी कि यहां 100 हो गया और यहां 8 हो गया। तो 8 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 800 होगा। इसी तरह कंप्लीट, दैट्स ऑल।